से बताने के लिए भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटवारी परीक्षा मामले पर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया, कहा कि डर्टी पुलिस में राहुल गांधी को भी घसीटा गया है। प्रियंका गांधी से झूठा ट्वीट कराया गया, 1,114 पटवारी परीक्षा में पास हुए हैं, कांग्रेस को मेरी खुली चुनौती है। ये बात कही नरोत्तम मिश्रा ने खुले मंच पर सामने आए, हमारे पास एक एक सवाल का जवाब है। कांग्रेस युवाओं को भ्रमित करने की राजनीति कर रही है। नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस पर, कांग्रेस छात्रों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। सुनिए, आपके सामने अकस्मात आ गए थे, मैं तो आपसे मुखातिब होने के बाद ही गया था, लेकिन सरकार दृढ़ संकल्पित है, किसी भी नौजवान के मन में निराशा नहीं आने देगी, चाहे ये लोग हों जो पास हुए हैं, चाहे वो भी बच्चे हों, वो भी हमारे अपने बच्चे हैं जो पास नहीं हो पाए। कुछ लोग अपने राजनीतिक हितों, व्यावसायिक हितों के लिए जिस तरह से नौजवानों के मन में एक हीन भावना, एक डिप्रेशन का भाव भरना चाहते हैं, वो निंदनीय है। सभी नौजवानों से कहना है कि इनकी राजनीति का शिकार न हो, और इन नेताओं से कहना है कांग्रेस के कि अगर कोई तथ्य है तो सामने आओ, मंच लगाओ, हर एक सवाल का जवाब दूंगा, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब न दे पाऊं। वो भी कह रही है।